तो भाई लोग फिर से आ गए हम एक और एकदम बेहतरीन वाली जेडाई फॉलन ऑर्डर की गेम प्ले वीडियो में। और भाई यार पिछली वाली वीडियो में तुम्हारा रिस्पांस कुछ बहुत ज़्यादा एकदम नेक्स्ट लेवल नहीं था, इसलिए अगली वाली वीडियो या तो GTA 5 की आएगी या फिर आर्क सर्वाइवल की, डिपेंड करता है किस चीज़ की आएगी, लेकिन आएगी दोनों में से कोई से एक की। खैर बात करें भाई पिछली वाली वीडियो की, तो पिछली वाली वीडियो में भाई हम अपने मस्त आराम से शांतिपूर्ण इलाके में आ गए थे इतनी ज़्यादा मुसीबत से। और वहाँ पे हमें कोई टेस्ट वेस्ट भी पास करना था, कोई किसी पुराने जेडाई मास्टर ने एक टेस्ट रखा था जिससे कि वो किसी वर्थ इंसान को ढूंढ सके, कोई मतलब ऐसा जो लायक हो इस जेडाई की साम्राज्य को आगे बढ़ाने के। तो हमने जो है उस टेस्ट को पास कर लिया था और हमें मिली थी वहाँ से एक एनक्रिप्टेड रिकॉर्डिंग। उसे जो अपना साथ का ड्रॉइड था भाई, छोटा सा रोबोट, उसको ड्रॉइड बोलते हैं, तो उसने जो है प्ले करके दिखाया था हमें। उसमें हमें न्यू जनरेशन जेडाई के बारे में बताया गया था। वो भाई जहाँ तक लिया लू के होंगे, लेकिन अभी हमें उनके बारे में नहीं पता, तो हमने नहीं जानते उनके बारे में। और आगे चीज़ें पता करने के लिए हम गए भाई एक जगह पे, वहाँ पे एम्पायर ने भाई काफ़ी सारी मशीन वगैरह भी सेटअप कर रखी थी, और मतलब एक तरह से वहाँ पे कुछ ढूंढ रहे थे एम्पायर, बेसिकली वही चीज़ ढूंढ रहे थे जो हम ढूंढ रहे थे, लेकिन हम उनसे थोड़ा सा जल्दी उनसे आगे पहुँच गए। और हमने जो है आगे की इन्फॉर्मेशन निकाल ली, और अभी हमें किसी और प्लैनेट पे जाना है उन न्यू जनरेशन जेडाइज का पता लगाने, और अभी देखते हैं कौन सा नया एडवेंचर अभी हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। खैर तुम्हें भाई अगर वाली वीडियो बढ़िया लगे तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। अगली वाली वीडियो भाई आ रही है GTA 5 की या फिर आर्क सर्वाइवल की, मैंने भी डिसाइड नहीं करा, हफ्ते के एंड के लिए भी कोई सरप्राइज आना चाहिए है ना, तो जो उनसी चीज़ बढ़िया से कन्फिगर होगी वो आ जाएगी जेडाई की। तो ये शायद लास्ट वीडियो है कह सकते हैं, क्योंकि इस पर तुम्हारा रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं आ रहा। खैर वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है भाई हाइपर ड्राइव पे पहुंच चुके हैं, लाइट स्पीड से चल रहे हैं अभी हम। ऐसे चूतियों का सहारा है दोस्त, मुझे पता है इस दुनिया में अभी लाइट स्पीड पे जाना पॉसिबल नहीं है, आइंस्टाइन की थ्योरी इक्वेशन बत्ती बनाई थी लाइट स्पीड की, लेकिन यहाँ पे स्टार वॉर्स में हम लाइट स्पीड से चल सकते हैं, इट्स ईजी। ठीक है भाई पहुंच चुके हैं, और यार ये मस्त लगते हैं यार स्टार वॉर्स के ये सिनेमेटिक्स ग्राफिक्स भाई। ठीक है तो अभी भाई हम कुछ ढूंढ रहे हैं यहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे कुछ हो, हमें कुछ मिल सके काम का, और यहाँ तो सारे एम्पायर के बंदे फैल रखे हैं, ये क्लोन के फूफे। अच्छा तो भाई एम्पायर यहाँ पे खुदाई उदाई कर रहे हैं, दबा के रिसोर्सेज निकाल रहे हैं से भर के। अरे भाई यहाँ तो लड़ाई मच रखी है भाई, पैरा ड्रॉपिंग कर रहे हैं क्या हम, पैराशूट नहीं है अभी अपने पे। अरे भाई पैराशूट नहीं है अपने पास। अच्छा पानी था नीचे, नाइस, हमें लगा आज राम नाम सत्य का दिन है। चलो ये भी ख़राब नहीं हुआ, ये भी अच्छी बात है, बस बंदा पानी पानी हो गया, कैसे होता है ऐसे पानी पानी है। ठीक है भाई तो यहाँ पे अभी लड़ाई बज रखी है, हम यहाँ आए थे और हमें क्या है इनमें से कोई सा शिप चुरा। अरे भैया यहाँ तो ज़्यादा ही गलत सीन हो रखा है। खैर भाई यहाँ पे लड़ाई बज रखी है भर के, और यहीं पर कहीं हमें वो भी मिलेगा डेटाबेस भी न्यू जनरेशन जेडाई का। तो हमें क्या है यहाँ पे शिप तो हम यहाँ लैंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि भाई लड़ाई बज रखी है भर के और अपने शिप की लग सकती है ढंग से, तो इसलिए उन्होंने भाई हमें नीचे फेंक दिया। और मैं क्या सोच रहा हूँ इस ये जो बड़ा सा रोबोट है ना इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। क्या रोबोट है, क्या है, बिल्डिंग है, हाँ रोबोट है, चल रहा है ये, बेल चढ़ा रखी है यार इस पे ऊपर, खेती करी जा रही है भाई इस पे एम्पायर के मालिक पे। अरे भाई मेरे टकले पे मत मार दियो गोली, अरे 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 भाई गोली क्यों मार रहे हो यार, यूं गोली से ना मारो इस दीवाने को। अरे भाई मेरे पे गोली मत मार दियो यार। अरे भैया क्या है, पूछ फाड़ दी इसकी, इनके पीछे खड़े अभी ने कुछ नहीं पता। ये मारा भाई दोनों में भर के, सही है। ठीक है भाई लोग तो अभी हम इसके अंदर आ चुके हैं, और सामने से ये दूसरा जानवर मार रहा है हमें, क्योंकि इसे जहाँ तक पता लग गया कि इसके अंदर कोई और है। एक बंदे की होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग सी प्ले हुई थी यहाँ पे, और भाई मारो गए मारो इसमें भर के, मैं भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेता हूँ इससे। ठीक है पेल दिया भाई, ठीक है अभी किधर जाना है अपने को, राइट जाने का कि लेफ्ट। ठीक है भाई आगे जा रहे हैं हम, बढ़ रहे हैं, कुछ ढंग से चमक तो नहीं रहा लेकिन ठीक है, हमने एक पुल भी तोड़ दिया। भाई भाई बहुत सारे लोग हैं उस चीज़ के पीछे, इस चीज़ के पीछे हम थे, और भाई ये प्लेन को फोड़ डाला। अरे भैया तब हमारे भी बढ़ जाए, अरे लग गई रे लग गई, गए काम से गए काम से भाई गए काम से। अरे भैया फूट गए फूट गए।
मर गया माधर चोट लाला ला ला। अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई, बड़े से शिप में हम बजाए थे ऐसे करके और उसने हमारे बजा दिया, हमने उसे बजा दिया तो वो नीचे गिरने लग गया तो हमारे ऊपर जाकर गिर गया। तो भाई लोग अभी क्या कहते हैं, हम यहाँ बड़ी टूटी फूटी सी जगह पे आ रखे हैं, वह बड़ी तगड़ी की लड़ाई बज रही थी, तो हम अभी जो जेडाई के साथ हैं उनके साथ हैं और हम साथे, साथे है। अभी भाई हमें क्या है उनका कुछ वो भी ढूंढना है, सिस्टम भी कोई एनक्रिप्टेड रिकॉर्डिंग या फिर जो भी है न्यू जनरेशन जेडाई का डेटाबेस में वो ढूंढना है। उस डेटाबेस के पीछे भाई अभी एम्पायर वाले भी लग रखे हैं और जेडाई भी, दोनों की पता लग गई इस चीज़ की। पता नहीं कैसे भाई ढूंढते हैं चीज़ों को, हमें पता एम्पायर वालों को लगती है, अब जेडाई वालों को भी लगनी शुरू होगी, पता नहीं क्या सीन चल रहा है। तो भाई लोग तुम सोचोगे कि एकदम से इसकी थूथ कहाँ से आ गई, ठीक है मतलब मेरी पर्सनल थूथ कहाँ से आ गई, वीडियो अच्छी खासी चल रही थी, गेम प्ले चल रहा था तो मैं एकदम कहाँ से आ गया, है ना। तो भाई देखो बात ये हुई कि जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो मुझे पता लगता है कि जो गेम प्ले मैंने रिकॉर्ड करा था ना उसकी बत्ती बन चुकी है, कुछ नहीं बचा अब उसमें, मतलब भाई इतना ज़्यादा लैग आ रहा है ना, मतलब भाई ऐसे अटक अटक के चल रहे हैं एकदम फ्रेम्स, आवाज़ सही आ रही है लेकिन भाई लैग भर के है, ठीक है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब भाई मैं उसे फिक्स करने की कोशिश करूंगा अगली वीडियो तक, अगली वाली वीडियो वैसे भी चेंज है GT5 की, लेकिन इस टाइम तो मेरे पास तुम्हें आगे की कहानी अपने मुंह से बोल के बताएं साला कोई ऑप्शन है नहीं। उसके थोड़ी सी आगे की रिकॉर्डिंग भी ठीक है तो वहां से फिर वीडियो जो है प्ले होनी चालू होगी, इतने मैं अपने इस पर्सनल मुंह से ही बोल के बताता हूँ तुम्हें कहानी, ठीक है। तो भाई क्या होता है जिस टाइम पे हम गए थे ना वो लोग एम्पायर के ऊपर वापस अटैक कर देते हैं और हमारा काम होता है भाई ये जो चुई जैसे बहुत सारे बंदा जो हैं एम्पायर वालों ने पकड़ रखे थे तो उन्हें छुड़ाना था हमारा काम, तो भाई हम इधर उधर बड़े लटक लुटक के पार कोर करके लड़ाई झगड़ा करके और फाइनली उन बंदों को छुड़ा देते हैं और भाई सब लोग वहाँ से वहाँ से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं भाई, हमारी एकदम ऐसे रिस्पेक्ट हो जाती है। जेडाई यस जेडाई, ठीक है इस तरीके से, क्योंकि भाई हम उन लोगों के पास इसलिए गए थे क्योंकि वही वो लोग थे जो एडवांस सिविलाइजेशन थी जिसके बारे में हमें उस होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग में बताया गया था, लेकिन वो हमें बताते हैं कि भाई वो डेटाबेस स्टार डिस्ट्रॉय के अंदर हो सकता है। स्टार डिस्ट्रॉय का भाई मलबा पड़ा था किसी मकबैसे के ऊपर था वो, तो वहाँ पे हमें बताते हैं कि हो सकता है वो डेटाबेस। पहले हम स्टार डिस्ट्रॉय के मलबे के अंदर से निकल के भाई जाते हैं तभी भाई हमारा सामना हो जाता है उस चुड़ैल से, कि चुड़ैल है ना वो भाई तुम्हें लग रहा हो कि हमें मार नहीं रही थी, मतलब हम भाई कमजोर थे, वो हमें मार सकती थी चाहती तो, लेकिन वो हमें नहीं मार रही थी फिर भी, क्यों, क्योंकि भाई ये बंदा मतलब जो हमारा कैरेक्टर वो और एक जो लड़की हमें बचाई नहीं आई थी वो और भाई वो चुड़ैल, ये तीनों साथ में पढ़ते थे एक ही मास्टर से, तो भाई हम एक तरह से इसके बहुत अच्छे दोस्त थे तो इसलिए हमें छोड़ दी थी इतने टाइम से, और हमें बाद में पता लगता है जब वो अपना मास्क हटाती है, ठीक है भाई एक बार को हमें मारने को गई थी लेकिन इतने में ही जो अपना रोबोट है छोटा सा उसने हमें बचा लिया था और फिर वो अपना मास्क उतार के बताते हैं कि भाई वो हमारे साथ खड़ी हुई है। और जब ये सब लोग भाग रहे थे ना तो जो हम थे हम तो भाग के एक शिप पे चढ़ गए थे और वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम शुरू कर दिया था हमने, जो ये लोंडिया थी जो बचाने आई थी ये क्या कहते हैं पीछे रह गई थी, तो ये दोनों को एम्पायर ने पकड़ लिया था, लेकिन जब वो निकली थी ना लोंडिया, अभी हमारी उससे बात नहीं हो पाई, लेकिन हाँ जब वो लोंडिया निकली तो किसी तरह से उसने इसे फंसा दिया भाई जो क्या कहते हैं चुड़ैल थी इसे, तो इसी गिल्ट में उसने फोर्स भी यूज़ करना बंद कर दिया कि भाई अपने दोस्त को ऐसे फंसा दिया उसने तो इसीलिए। लेकिन फिर भाई हम ये बात पता करके और एक उसी स्टार डिस्ट्रॉय के नीचे कोई मकबरा सा भी था तो हम वहाँ चले गए भाई, वहाँ भी हमने खूब भर के पार्कोर वार्कोर करा, लेकिन वहाँ क्या है स्टार डिस्ट्रॉय पे लोग पहले से ही आ रखे थे सारे के सारे, भाई चुड़ैल अपनी पूरी जो टीम है उसे लेके आ रखी थी तो इसीलिए वो हमारे से आगे थे सारे टाइम ही करीब करीब। तो भाई लास्ट में पहुंच के जब हम बिल्कुल उस चीज़ के पास पहुंचने वाले थे जो हमें चाहिए थी भाई, तभी क्या होता है चुड़ैल के बंदे मतलब हमें से एक बीम से के ऊपर लटके होते हैं तो चुड़ैल के बंदे वहां पहुंच जाते हैं और वो भाई उस पूरे जो बीम सा था उसे ही गिरा देते हैं नीचे, और भाई हम गिर के और फिर हमें एक नई सुपर पावर भी मिलती है अपने जो चीज़ों को ऐसे पकड़ के पास बुलाने, क्योंकि भाई हम गिर रहे थे नीचे और जो हमारा लाइट सेवर था वो हमारे हाथ से छूट गया था, तो अगर वो छूट जाता तो गया था, तो तभी हमें भाई गिरते गिरते हमें मास्टर जी वो ऐसे चीज़ों को अपनी तरफ खींचना सिखाते हैं। खैर उसके बाद में भाई हम बच के और एक और प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए थे और वहाँ से क्या कहते हैं अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है भाई लोग। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है एकदम आगे और इस चीज़ को खींच लेना है और इस चीज़ पे फेंकना है, बस आओ आओ हाँ आ जा,
ठीक है भाई, खींच दिया ने भी। ठीक है भाई, तो अभी क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अपना कंप्लीट कर लिया। हमें एक पुराने जेडाई मास्टर का होलोग्राम मिला था फिर से, और उसने कहा था कि हमें कोई की ढूंढनी है, जो मतलब पहले जयफर के निवासी थे ना, उन्होंने कोई की छोड़ी थी अपने, उसकी हमें वो ढूंढनी है। तो उसकी की ढूंढ के हमें क्या है, न्यू जनरेशन जेडाइज का पता लग जाएगा, और उन्हीं के पीछे भी वो भी है चुड़ैल भी भाई, एम्पायर वाली। ठीक है भाई, तो अभी अपने शिप पे कुछ गड़बड़ हो चुकी है और वहां से हमें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं उसका, तो हमें जल्दी जल्दी वहां जाना पड़ेगा। भाई ये क्या था, भाई दाब लिया इन्होंने, कोई बहुत तगड़ा सा वो ले आए थे फाइटर अपना एम्पायर वाले, भाई लाइट से भी नहीं है शायद हमारे पास, इन्होंने एम्पायर वाले ने दाब लिया भाई। ठीक है, तो भाई लोग आज वाली वीडियो में बस इतना ही, कोई भाई बहुत ज्यादा ताकतवर एडवांस था भाई फाइटर था एम्पायर वालों का, उसने भाई भाई में अच्छे से बजा दिया, और अभी भाई एम्पायर वाले भाई को यहाँ पे ले आए, पता नहीं जो शिप वाले थे उनके साथ भी क्या करा होगा जो दोनों क्रू मेंबर थे, और ये भी नहीं पता कि भाई वो सच बोल रही थी झूठ जो चुड़ैल थी, वैसे मुझे तो लग रहा था भाई सच्ची बोल रही होगी, पता नहीं क्यों लेकिन लग रहा था मुझे। ठीक है, खैर आज वाली वीडियो में बस इतना ही, अगर तुम्हें इस वाली वीडियो में जाए तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो एकदम भर के, और है भाई कितने मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो भाई GTA 5 की होगी या फिर आर की होगी, वो देखते हैं कैसी होगी, लेकिन कोई बढ़िया वीडियो होगी अगली बार। ठीक है।